डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स के क्वेश्चंस की। तो अगर आप बेसिक ऑफ लिमिट्स समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और देखें। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास केस इस तरह का हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 किसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो इट विल अप्रोच 2। फिर से मैं आपको कहूँ, माइंड इट, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, लेकिन ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। जब x 2 की तरफ लेफ्ट और राइट से अप्रोच करेगा तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 5 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर आप इसी क्वेश्चन का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और क्लिक करें, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ लिमिट डिस्कस किया हुआ है। यहाँ हम उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। एक्स 4 की तरफ अप्रोच करेगा तो 7 किसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो 7 विल रिमेन 7, देयर विल बी नो चेंज इन 7। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 एक्स से फ्री है, 7 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर तीसरा केस देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पूछा है हमसे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू। तो आप x की जगह अगर 1 और 1 रखेंगे तो ये देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 होगा 0, 1 माइनस 1 होगा 0, 0 अपॉन 0। तो ये 0 अपॉन 0 इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट में है। इस वाले आज के जो क्वेश्चन हैं इनमें सारे फॉर्म अब जो आएंगे वो लगभग लगभग 0/0 के होंगे। तो ये जब भी 0/0 का कोई फॉर्म आएगा तो इसका मतलब है कि सम सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन, ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ताकि देखिए, तो इधर देखें, ताकि क्या होगा, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके। कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दिस बी डन, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो कैन दिस टू बी कैंसल्ड, यस दे कैन बी। व्हाई? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, इज इट 1? नो, इट इज नॉट 1, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, ये 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये 1 नहीं है। तो अगर ये 0/0 अगर कोई पूछता है, इफ समवन आस्क्स अस व्हाट इज 0/0, तो वी कैन कीप साइलेंस, हम चुप रह सकते हैं। वी शुड नॉट स्पीक दैट इट इज 1 और इट इज 2 और इट इज 1/3, इट मे बी एनीथिंग। पर इस केस में ध्यान से देखें, तो क्या हमने एक्स की जगह, ध्यान से देखें आप, क्या मैंने 0/0 को कैंसिल कर दिया? नो, आई डिड नॉट कैंसिल, मैंने 0/0 को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि मेरा एक्स क्या है, एक्स 0/1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स क्या है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, पर 1 नहीं है। तो अगर वो 1 नहीं है तो एक्स माइनस 1 0 भी नहीं है, और एक्स माइनस 1 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं है। तो जब मैं इनको कैंसिल करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट 0, और एक्स की जगह क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पर 1, तो ये 1+1। तो बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स कैन आस्क दिस थिंग कि भाई आप पहले तो कहते हो कि ये एक्स की जगह 1 नहीं रख सकते, बाद में आप रख देते हो। तो पहले जब, वेन एवर वी सिंप्लीफाई दिस, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो भी जाते हैं, फिर जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता दोस्तों, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ लिमिट्स पे डिस्कशन किया है कि हाउ दिस इज इक्वल टू 2। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, जब एक्स 1 की तरफ जाएगा, एक्स की आप कोई वैल्यू आप रखिए इस तरीके की, 1.00001 रखेंगे आप, तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो इट विल बिकम 2। इसका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 2। या आप ऐसी वाली एक्स की वैल्यू रखेंगे 0.999999, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा, 2। पर अगर आप एक्स की जगह 1 रख देंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0/0, विच इज़ नॉट नोन टू एनीबडी, जो किसी को भी नहीं मालूम।
तो अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि अभी x की वैल्यू इस तरह की है, इस तरह की है, x 1 नहीं है, 1 नहीं है तो x माइनस 1 0 नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, ये 0 अपॉन 0 आ गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, x प्लस 1 इसके फैक्टर बना लीजिए, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना के, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको इससे कैंसिल कर दें, x की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, दिया जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 बाय 2 8 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1, तो सेम टेक्निक इसके लिए लगेगी, लेकिन 8x क्यूब को आपको लिखना पड़ेगा 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, और फिर इसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 बाय 2। अगर अभी हम इसकी लिमिट डायरेक्ट डालेंगे तो वही 0 अपॉन 0 आएगा, आप डाल के देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब अपॉन 2x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 बाय 2 a प्लस बी, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल, x की जगह माइनस 1 बाय 2 डाल दें, 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। ये देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल, पर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1। ये दोस्तों आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी फिफ्थ का आंसर है आपका, 3a इसका आंसर। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब आप x की जगह 2 डाल दीजिए, जब आप 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0। फिर तो सिंप्लीफाई कर दें इसको, ऊपर फैक्टराइज कर दें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दें, x इज नॉट 2 x 2 नहीं है, x अप्रोचेस टू 2, x की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा, और आगे हम वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर आपको दे दिया है लिमिट z टू द पावर 1 बाय 3 माइनस 1 z टू द पावर 1 बाय 6 माइनस 1, आप ये सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो नो इशू, बिल्कुल आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आप लिख दें z टू द पावर 1 बाय 6 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 6 को कैंसिल कर देगा तो वो 1 बाय 3 आ जाएगा, माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका z टू द पावर 1 बाय 6 माइनस 1। अब ऊपर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1 बाय 6 माइनस 1 z टू द पावर 1 बाय 6 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 1 बाय 6 माइनस 1। आप इसको इससे कैंसिल कर दें और z की जगह क्या रख देंगे दोस्तों,
जेड की जगह वैल्यू रख देंगे। क्या है जेड की वैल्यू? तो जेड टेंड्स टू व्हाट? जेड टेंड्स टू वन। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1 to the power 1/6 + 1, और अपॉन में ये कैंसिल हुआ था तो 1 बचा था। 1 to the power 1/6 is 1 + 1/1। अब आप क्वेश्चन कभी और थोड़े अलग अलग वैरायटी के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं 1 upon x + 1 upon 2x + 2, तो आप -2 ले लें, क्योंकि 2 लेंगे तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू -2, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x + 2 अपॉन में 2 × x होल अपॉन x + 2। न्यूमरेटर इज कंप्लीट। व्हेन आई से कंप्लीट मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, इसके में नहीं है, तो इसके में 1 लिख लीजिए। अगर आपने 1 लिख दिया है तो अब देखिए ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2x x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट कितना है आपका? एक्स की जगह -2 डाल दीजिए तो 1 upon 2 × -2 - 1/4। 1 upon -4 मीन्स -1/4। और इसी सीक्वेंस में और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कभी कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाए, जैसे देख लेते हैं आप 10th question, लिमिट x→3 x^81 / x³ - 27 ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहले x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 to the power 4 81 81 - 81 0, 3 to the power 3 9 9 - this 0। तो फिर इसमें आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको आप x² whole square - 9² लिख दें, इसको x³ - 3³ लिख दें और आप फैक्टराइज कर दें। ये हो जाएगा आपका x² - 9। और यहां लिख देंगे इसका फैक्टर a³ - b³ के a² + ab x² - 9। अब ये और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। कौन सा टर्म? देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट x→3 x² - 9 को फैक्टराइज कर दीजिए x - 3 x + 3 x² + 9 होल अपॉन x - 3 x - 3। अब आपका कैंसिल हो गया x² + 9 + 3x। अब आप x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 3² + 9 3² + 9 + 3 × 3 ये हो गया आपके पास 6 × 9 + 9 = 18 अपॉन में 9 + 9 = 18 + 9 = 27। आप इसको 9 से कैंसिल कर दें, 9 3 जा और 9 2 जा 3 2 जा, ये आपका आंसर आ गया है 4। 9 + 9, इसको चेक करने की भी हमारे पास एक मेथड है, 4 × x³ तो 3³ अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3 × 3² एकदम सही है, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये 11 होगा, लिमिट x→1 1 - x^-1/3 / 1 - x^-2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x→1 1 square 1 लिख दें आप, 1 तो रहने दें, 1 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं आप 1 - x^-1
माइनस 1/3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ इंडाइसिस लगेगा और 1 को लिख दें 1 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक्स टू द पावर माइनस 1/3 का स्क्वायर होगा आपका तो ये देखो माइनस 1/3 का स्क्वायर तो माइनस 1/3 इंटू 2 तो ये माइनस 2/3 हो जाएगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1/3 कैंसिल, अब एक्स की जगह 1 रख दें तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1 + 1 to the power -1/3। अब 1 to the power -1/3 इज नोन टू यू, ये क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1/1 + 1, तो ये आपका आंसर आएगा दोस्तों 1/2। तो होपफुली कि आपको क्वेश्चंस जो हमने आज भी डिस्कस किए ये समझ आए होंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी यही आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करेंगे, तब तक आप मेरा साथ दें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और अवार्ड तो ढेर सारे हैं, लेकिन अब मेरे अवार्डों की बारी नहीं, अब आपके अवार्ड्स की बारी है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि डू द बेस्ट एंड डू द बेस्ट फॉर योर नेशन। माई बेस्ट विशेस विथ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।